हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो प्रयागराज डिवीजन आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर हुआ था। अगर बात करें तो ये पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 27 अक्टूबर 2023 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल 110 प्रश्न कैंडिडेट से पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। और साथ ही साथ इस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो थे वह वर्ड मार्क्स का रखा गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो फुल फॉर्म ऑफ ACWP, यानी ACWP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ACWP की अगर बात करें हम तो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट्स इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें ACWP का तो यह जो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट्स है, यह जब भी कोच हमारा पिट लाइन पर प्लेस होते हैं तो कोचेज के जो एक्सटीरियर पार्ट्स होता है उसको क्लीनिंग करने के लिए हमें यह प्लांट्स में सहयोग करते हैं, जो न केवल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तौर पर वह कोचेज को क्लीन करने में सक्षम होते हैं, साथ ही साथ वो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है इसको भी वह वेस्टेज को कम करने में या सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ QWS, QWS का फुल फॉर्म होता है क्विक वाटरिंग सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्विक वाटरिंग सिस्टम की तो यह जो हमारा इन रूट में जो कोचेज में जो वाटरिंग की जाती है उसमें प्रॉपर वाटरिंग आसानी से किया जा सके, इसके लिए प्रावधान क्विक वाटरिंग सिस्टम का लाया गया था, जिससे जो हमारे 24 कोच के रेक्स होते हैं उसको वाटर फिलिंग के टाइम में हमारा लगभग 5 से 6 मिनट में हमारा पूरे तौर पर हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए QWS का फुल फॉर्म होगा, क्विक वाटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ CDTS, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं फुल फॉर्म ऑफ WRA, WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग एपरेटस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें WRA में जो मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होता है वह होता है 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि अगर मैक्सिमम एयर प्रेशर की अगर बात करें WRA के लिए तो यह होता है 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ PCO इन वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप के अंतर्गत जो PCO होता है वो उसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो इसका सही फुल फॉर्म की अगर बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ RDI, RDI का फुल फॉर्म होता है रेलवे डीजल इंस्टॉलेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेलवे डीजल इंस्टॉलेशंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ HSD, HSD का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड डीजल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ WSP, WSP का फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी व्हील को स्कीड होने से जो बचाते हैं हमारा ब्रेकिंग के दौरान, तो उस वो यहाँ पर हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं WSP का, जैसे हमारा फोनिक व्हील, प्रेशर स्विच, डंप वाल्व, माइक्रो प्रोसेसर और जो हमारा स्पीड सेंसर होते हैं, इस सारे के कंबाइंड फंक्शन से हमारा व्हील को स्कीड होने से बचाने का काम WSP डिवाइस करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ PEAV, PEAV का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विथ रेफरेंस टू एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ ICF कोचेज विच अमाउंट द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल नेम फॉर PEST। यहाँ पर ICF के जो हमारे रिस्पेक्ट में जो एयर ब्रेक सिस्टम का जो पार्ट्स होते हैं PEST, वो यहाँ पर पूछा गया है कि PEST का फुल फॉर्म क्या होगा। तो PEST की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ ART, ART का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ SCTR, SCTR का फुल फॉर्म होता है सिंगल कार टेस्ट रिग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रयोग हम जब भी कोचेज हमारा IOH या POH के लिए जाता है तो वहाँ पर हम SCTR के माध्यम से कोचेज का हम सिंगल बाय सिंगल कोचेज को टेस्टिंग करने का से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ LHB, LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ CR यूज्ड इन ईयर ब्रेक सिस्टम, यानी ईयर ब्रेक सिस्टम में जो कंट्रोल रिजर्वायर यूज किए जाते हैं उसका फुल फॉर्म है कंट्रोल रिजर्वायर, CR का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ CTS, CTS का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो क्लीन ट्रेन स्टेशन इसका सही फुल फॉर्म होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको स्टार्ट किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा ताकि जो हमारे जो कोचेज के अंतर्गत जितने भी हमारा साफ सफाई उसको इम्प्रूव करने के लिए यह सिस्टम लाया गया था, यानी CTS यानी क्लीन ट्रेन स्टेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है फुल फॉर्म ऑफ NMG, NMG का फुल फॉर्म क्या होगा, तो न्यू मॉडिफाइड गुड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। या जो NMG कोचेज वगैरह आते हैं हमारे जितने भी कोचेज, इसका एक कोडल लाइफ होता है और उस कोडल लाइफ में अगर उसके यूज होने के बाद उसको हम गुड्स में कन्वर्ट करके हम उसमें ऑटोमोबाइल ऑटो कैरियर के तौर पर हम उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ GTR, GTR का फुल फॉर्म होता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली 3 कॉपीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, एक पर जो हमारे LLP लोको पायलट का साइन होता है, सेकेंड कॉपी पर ट्रेन मैनेजर्स और थर्ड कॉपी जो यार्ड मास्टर हो या जो स्टेशन मास्टर हो उसके द्वारा यह कॉपी तैयार 3 कॉपी में तैयार की जाती है और एक एक कॉपी तीनों को पास रहते हैं। यहाँ पर GDR का अभी करंट में नाम की अगर बात करें तो चेंज करके ट्रेन मैनेजर LP रिपोर्ट TM LP आर इसका नाम रख कर दिया गया है, लेकिन ये पुराने ट्रेन पर प्रश्न पूछा गया है तो गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ GEM,
जीईएम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जीईएम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, यानी जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल परचेज वगैरह किए जाते हैं ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से, तो यही वेबसाइट जो जीईएम है यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, यहीं से परचेज किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहां पर, तो व्हाट इज फुल नेम फुल फॉर्म ऑफ जीटीकेएम इन रेफरेंस टू इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे के सापेक्ष में जो जीटीकेएम का फुल फॉर्म का उपयोग किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो जीटीकेएम का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस टन किलोमीटर्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो हमारा इसका मतलब होता है कि जितने भी किलोमीटर हमारा अर्न किए जाते हैं ग्रॉस टनेज में, जो कि हमारा लोकोमोटिव्स के जो वेटेज के इंक्लूड करके जो हॉल्ट किए जाते हैं टनेज में, वो हमारा यह जीटीकेएम का फुल फॉर्म के तौर पर यूज किए जाते हैं, यानी ग्रॉस टन किलोमीटर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, अगर पूछे गए बीच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्रीज इज नॉट इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोचेज, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना कोचों के निर्माण में शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर ध्यान रखें प्रश्न में नॉट इंगेज की बात किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोचेज का। तो यहाँ पर पहली अगर बात करें MCF का यानी मोडर्न कोच फैक्ट्री, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, यहाँ पर कोचेज का प्रोडक्शन किया जाता है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंतर्गत है, जहाँ पर अभी करंट में वंदे भारत के जितने भी प्रोडक्शन किए जा रहे हैं वो सारे ICF के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम RCF यानी रेल कोच फैक्ट्री, जो कि कपूरथला पंजाब के अंतर्गत है, यहाँ भी कोचेज का प्रोडक्शन किए जाते हैं, लेकिन प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया नॉट इंगेज का, जो कि RWP यानी रेल व्हील प्लांट, जो कि बेला बिहार के अंतर्गत है, यहाँ पर रेल के व्हील्स का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी चक्कों का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट इज नॉट इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेल व्हील्स, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन इकाई रेल पहियों के निर्माण में संलग्न नहीं है। यहाँ पर नॉट इंगेज की बात किया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल व्हील्स का, तो रेल व्हील प्लांट के अंतर्गत यहाँ पर व्हील्स का प्रोडक्शन किया जाता है, और रेल व्हील फैक्ट्री जो कि यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत है, यहाँ भी व्हील एंड एक्सल का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम दुर्गापुर स्टील प्लांट्स की, जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, यहाँ भी जो फोर्ज व्हील्स और एक्सल्स होते हैं हमारे, इनका प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन जो ICF चेन्नई है यहाँ यह कोचेज का प्रोडक्शन किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेल स्प्रिंग कारखाना इज एट, यानी जो रेल स्प्रिंग कारखाना है वो कहाँ स्थित है? तो यह सितौली ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे, यानी जोलन यानी हेडक्वार्टर लेवल पर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं वो कौन सा होगा? तो यह होते हैं PCME यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होता है, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हायर अथॉरिटी होता है जोनल लेवल पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, PCME। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो व्हाट इज मिंट बाय द लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी उपकरण की अल्पतांक से क्या तात्पर्य है, यानी यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर बात करें लिस्ट काउंट का, तो जो लिस्ट काउंट जिसे हम बोलते हैं वह स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है, जो कि मेजर किया जा सकता है एक्यूरेटली, यानी अच्छे रूप से उसको मेजर किया जाता है, यानी सबसे छोटा माप जिसे इसके साथ सटीक रूप से मेजर किया जा सकता है, उसे हम लिस्ट काउंट के तौर पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, बीच ऑफ द फॉलोइंग
वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो इसमें हमारा TIG वेल्डिंग जो होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, यह हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर बात करें अगर द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर, तो यानी पदार्थ का वह गुण जो उसे ऊर्जा को अवशोषित करने और बिना फ्रैक्चर से प्लास्टिक रूप में विकृत करने का जो कैपेबल बनाता है, उसे उस प्रॉपर्टी को किस तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें हम तो प्रॉपर्टी का वैसा गुण जिसमें हमारा जो एनर्जी है इनेबल्स एनर्जी को ऑब्जर्व करता है ताकि और साथ ही साथ उसे डिफॉर्म करता है विदाउट फ्रैक्चर प्लास्टिकली तौर पर, तो इसे हम टफनेस के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर बात करें अगर तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसेंजर ग्रीवेंसेस रिडरेसल पोर्टल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक यात्री शिकायत निवारण पोर्टल है। तो जो पैसेंजर ग्रीवेंस रिडरेसल पोर्टल की अगर बात करें तो इसमें रेल मदद इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ से पैसेंजर अपना जो कंप्लेंट्स वगैरह है उसको रिड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पर जो अगर बात करें ऑप्शन देखें अगर तो IREPS दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जो कि मटेरियल जो हमारे रेलवे के अंतर्गत होते हैं उसके प्रोक्योरमेंट के लिए या साइट्स का यूज लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम रेस का, तो रेस जो है हमारा रेलवे एम्प्लॉय सेल सर्विस, जहाँ से अपना कर्मचारी अपना जो बायोडाटा हो या पेमेंट के रिगार्डिंग जितने भी वो अपने डाटा यहाँ से देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें HRMS के, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का, तो यहाँ पर HRMS का उपयोग आप ऑनलाइन SR देखने में, इसके अलावा आप पास PTO जनरेट करने के अलावा या जितने भी म्यूचुअल्स के या लीव की समस्या है सारे को अब ऑनलाइन HRMS के माध्यम से आप लीव भी अप्लाई कर सकते हैं, पास PTO भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो या म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, सारे की प्रक्रिया आप HRMS के माध्यम से कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ मीटर गेज रेल लाइन, यानी जो मीटर गेज रेल लाइन्स है उसका जो विड्थ यानी चौड़ाई होता है वो कितने mm का या मीटर में होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो भारतीय रेलवे में भी प्रेजेंट में ब्रॉड गेज का उपयोग किया जाता है, जिसके अगर बात करें विड्थ का तो यह 1676 mm का इसका विड्थ होता है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर अगर बात करें मीटर गेज का, तो इसका अगर विड्थ जो होता है वह 1000 mm का होता है। इसके अलावा बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं नैरो गेज की रिगार्डिंग में, तो नैरो गेज का जो विड्थ होता है वह या तो 762 mm या कहीं कहीं ये 610 mm भी मेंशन होता है, तो यह नैरो गेज का विड्थ होता है। वहीं मीटर गेज यहाँ पर 1000 mm और ब्रॉड गेज 1676 mm का होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 meter, क्योंकि 1 meter इक्वल्स टू 1000 mm होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 meter। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अरेंज द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, दैट इज हाईएस्ट एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट एंड लोएस्ट एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट लास्ट। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जिनको अरेंज करना है उनके ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी इन मेजरमेंट के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और ये भी ध्यान रखें
कि यहाँ पर बोला गया है कि जो हाईएस्ट को पहले रखना हमारा, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी बता दिया गया है, और लोएस्ट एक्यूरेसी को बाद में रखना है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो माइक्रोमीटर, स्टील स्टेल, बर्नियर कैलीपर, स्लिप गेज दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी की अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की, तो पहले नंबर पर हमारा स्लिप गेज आता है, जिसका मेजरमेंट काफ़ी सटीक होता है। तो यहाँ पर हमारा पहले नंबर पर हमारा स्लिप गेज होगा। फिर अगर बात करें सेकेंड प्लेस पर एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा माइक्रोमीटर होता है, सेकेंड नंबर पर आता है। थर्ड नंबर की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमारा बर्नियर कैलीपर जो होता है वह सटीक मेजरमेंट करता है। अब फोर्थ प्लेस पर अगर बात करें हम, तो सबसे लास्ट में हमारा स्टील स्केल का यूज किया जाता है, जो कि नॉर्मल बेसिस पर सारे के पास होते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें एक्यूरेसी मेजरमेंट के आधार पर, तो पहले नंबर पर हमारा स्लिप गेज, सेकेंड प्लेस पर माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर और स्टील स्केल होता है, जो कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में मेजर यहाँ पर अरेंज करना है। इस प्रकार ऑप्शन में अगर बात करें, तो इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट एट डिवीजन लेवल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी मंडल स्तर पर जो यांत्रिक विभाग, निम्नलिखित में से किसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार होते हैं। तो जब भी कोई डिवीजन लेवल पर अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल की मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, तो ये सीधे तौर पर रेस्क्यू, रिलीफ और रिस्टोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी कोई अनलाइकली जो इवेंट्स होते हैं रेलवे डिजास्टर्स का, तो उस दौरान उस डिजास्टर को सॉर्ट आउट करके पुनः उसको वर्किंग कंडीशन में लाने का जो जिम्मेवारी होता है वह मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, यानी रेस्क्यू, रिलीफ और रिस्टोरेशन की रिस्पॉन्सिबल डिवीजन लेवल पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टली रूप से होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, टू इशू मेजर पेनाल्टी फॉलोइंग सीरोज फॉर्म इज यूज, यानी मेजर पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो यहाँ पर बात करिए अगर, तो मेजर पेनाल्टी के अधिकारी पूछा गया, यानी बड़ी शास्ति का, तो इसके लिए कर्मचारी को SF5 दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं SF11 जो होता है वह माइनर पेनाल्टी की रिगार्डिंग है। इसके अलावा SF1 जो होता है वह ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है। SF2 की अगर बात करें, तो यह डिम्ड सस्पेंशन के तौर पर यूज किया जाता है। जब कोई कर्मचारी 24 घंटे से अधिक अगर पुलिस कस्टडी में हो, तो वह शुरुआती पीरियड जब से उसको हिरासत में लिया गया होगा, तब से उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और इस सस्पेंशन को डीम्ड सस्पेंशन के तौर पर जाना जाता है। इस केस में कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, तो SF3 जो होता है, इस पर सिचुएट अलाउंस दिया जाता है, यानी निलंबन के दौरान अगर कोई कर्मचारी को निर्वाह भत्ता जो दिया जाता है, वह स्टैंडर्ड फॉर्म 3 केस में दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम स्टैंडर्ड फॉर्म 4 की, तो यह रीवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के रिगार्डिंग है, जिसमें निलंबन से बहाली जो होता है वो SF4 के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा SF5 जो मेजर पेनाल्टी होता है, SF6 में कोई भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने से रिफ्यूजिंग की अगर बात हो, तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म 6 इशू किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 7 में जो इंक्वायरी ऑफिसर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वह SF7 के अंतर्गत किया जाता है। वहीं SF8 के अंतर्गत अगर बात करें, तो इसके अंतर्गत जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट होता है वो SF8 के अंतर्गत किया जाता है। वहीं अगर बात करें, अगर कोई
एक से ज़्यादा कार्यवाही हो तो उसमें कॉमन प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग अगर कोई अपॉइंटमेंट करना हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म 10 के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा जो SF 11 है, इसमें जो माइनर पेनाल्टी होती है, छोटी शास्ति, इसके लिए कर्मचारी को SF 11 जारी किया जाता है। ये सारे कुछ मेन जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताए गए हैं, इसको आप ध्यान रखें। यहाँ से डायरेक्ट बेसिस पर प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न में मेजर पेनाल्टी पूछा गया था, तो इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 5 इशू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, फॉर विच पर्पस स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इज यूज्ड अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स, यानी जो अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अंतर्गत लाया गया था, इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म 7 है ये अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में के साथ इशू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर विच रूल ऑफ अंडर डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफ चार्जेज इज नॉट मैंडेटरी इन एनी सर्टन कंडीशन, यानी अनुशासनात्मक और अपील नियमों के किस नियम के तहत कुछ शर्तों में आरोपों की जांच करना अनिवार्य नहीं है, यानी कुछ कंडीशन सर्टन कंडीशन में अगर कोई जो इंक्वायरी है वो मैंडेटरी ना हो तो उस बेसिस पर किस कंडीशन में होता है, रूल किस रूल में बताया गया है, तो इस यह रूल जो है वह रूल 14 के 2 में बताया गया है, जिसमें कर्मचारी को बिना बताए बिना मैंडेटरी को सर्विस से रिमूव किया जा सकता है। इसमें जो इंक्वायरी की मैंडेटरी नहीं होता है इसमें करना। इसके अलावा अगर बात करें हम रूल 5 के अंतर्गत, तो रूल 5 में जो हमारा एम्प्लॉयज को सस्पेंड किया जाता है वह रूल 5 के अंतर्गत डिटेल में बताया गया है। वहीं रूल 13 की अगर बात करें तो रूल 13 में अगर मोर देन 1 एम्प्लॉयज हो इन्वॉल्व हो किसी प्रक्रिया में तो उसको प्रक्रिया को कार्रवाई के लिए रूल 13 का उपयोग किया जाता है। वहीं रूल 6 के अंतर्गत प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नाउ अ डेज ऑनलाइन पास इज इशूड ऑन डैश प्लेटफॉर्म, यानी आजकल ऑनलाइन पास डैश प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाता है। तो जो नए वर्तमान में जो पास PTO इशू किए जाते हैं वो HRMS के माध्यम से किए जाते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जरिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो हाउ मेनी फुल सेट्स प्रिविलेज पास आर गिवेन टू ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवे इन अ ईयर, यानी भारतीय रेलवे में जो ग्रुप ए और बी के जो ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ पर ग्रुप बी शामिल कर ले ग्रुप बी, क्योंकि ग्रुप ए और बी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं रेलवे के अंतर्गत, उनको जब से उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा रेलवे के अंतर्गत, उनको 6 फुल सेट्स पास पर ईयर इशू किए जाते हैं। केवल ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स जो गेजेटेड पोस्ट के होते हैं उनको यह पास जो इशू किए जाते हैं वो 6 सेट्स में किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्रुप सी एंड डी के एम्प्लॉयज होते हैं, इनको जब अपॉइंटमेंट किया जाता है तो शुरुआत में इनको 1 सेट पास पर ईयर दिया जाता है अप टू 5 ईयर्स, और आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष के बाद इनको 3 सेट्स पास पर ईयर इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर, यानी जो दुर्घटना नियमावली बताया गया है ट्रेन रेलवे का, इसमें जो ट्रेन पार्टिंग होते हैं वो कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत रेलवे के, इसमें 16 कैट क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है, ए से लेकर आर तक, जिसमें आई एंड ओ को वर्तमान में एक्सीडेंट मैनुअल से इलिमिनेट कर दिया गया यानी ख़त्म कर दिया गया है, यानी केवल ए से आर तक केवल 16 क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं। यहाँ पर बात करें ट्रेन पार्टिंग का, तो ट्रेन पार्टिंग जो है वह क्लास जे क्लास के अंतर्गत क्लासिफाई किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास जे, इसमें अगर बात करें कभी कभी एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं कि जो ट्रेन पार्टिंग अगर पैसेंजर कोचेज में हो तो वो कौन से क्लासेस के अंतर्गत आएंगे, तो यह J3 क्लासेस के अंतर्गत आते हैं अगर वह पैसेंजर कैरिंग ट्रेन होगा। वहीं अगर गुड्स ट्रेन का अगर ट्रेन पार्टिंग होते हैं तो यह J4 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। मेनली जो J क्लास होते हैं वह फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा बात करें क्लास K का, तो क्लास K के अंतर्गत जो है वह फेलियर ऑफ पी बे, जो परमानेंट बे जो होता है उसके फेलियर को इंडिकेट करता है। वहीं क्लास सी जो है वह ट्रेन रनिंग इन द रोड ट्रैफिक, जब भी कोई ट्रेन रोड ट्रैफिक में इंटर करता है तो वह एक्सीडेंट जो होता है वह क्लास सी के अंतर्गत क्लासीफाई किए जाते हैं। इसके अलावा जो पी क्लासेस के एक्सीडेंट होते हैं इसमें जो कैजुअल्टी जब हमारा पैसेंजर कोचेज के अगर डिलमेंट वगैरह होते हैं उस दौरान जो ह्यूमन लॉसेस होते हैं तो वो कैजुअल्टी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के जो मैनुअल है एक्सीडेंट्स वो क्लास पी के अंतर्गत रखा गया है। ये सारे जो कुछ इंपोर्टेंस जो बताए गए हैं इसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर बात करें तो फायर इन ट्रेन्स इज क्लासीफाइड विच क्लास ऑफ एक्सीडेंट, यानी जब भी ट्रेन में आग लगते हैं तो इस प्रकार के एक्सीडेंट को किस प्रकार के क्लास में रखा गया है, तो फायर इन ट्रेन की अगर बात करें तो यह क्लास बी के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं क्लास ए के अंतर्गत जो कॉलिजन होते हैं ट्रेन का टक्कर वो क्लास ए के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें हम क्लास एफ के अंतर्गत तो यह एवर्टेड कॉलिजन जो होते हैं वो क्लास एफ के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं क्लास एम की अगर बात करें तो क्लास एम में जो एसएनटी का फेलियर होता है वह सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का फेलियर वह क्लास एम के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइंड टू प्रिवेंट कोलिजन ऑफ टू ट्रेन्स, निम्नलिखित में से कौन सी दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए डिजाइन की गई तकनीक का नाम क्या है। जब भी ट्रेन कॉलिजन होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी ला गया है उसका नाम कवच है। तो यहाँ पर कवच इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 इशूड बाय द इंडियन रेलवे सेफ्टी डायरेक्टरेट कंटेंस गाइडलाइंस रिलेटेड टू, यानी भारतीय रेलवे के संरक्षा निदेशालय द्वारा जारी आपदा प्रबंधन योजना 2019 में निम्नलिखित में से संबंधित दिशा निर्देश शामिल है। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 जारी किया गया था इंडियन रेलवे के जो सेफ्टी डायरेक्टरेट के द्वारा, तो इसमें कुछ गाइडलाइंस बताए गए थे। तो गाइडलाइंस में बताए गए थे फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, मैनमेड डिजास्टर लाइक टेररिज्म ईटीसी, इसके बारे में बताया गया था। सेकेंड में बताया गया था जो क्राउड मैनेजमेंट के बारे में और रोल ऑफ आरपीएफ इन क्राउड कंट्रोल, में जब भी क्राउड होगा उस दौरान आरपीएफ का क्या रोल होगा, क्राउड कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में भी बताया गया है। इसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में बताए गए हैं, यानी यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ईआरटी मस्ट हैव 140 टन क्रेन्स इन द कंपोजिशन, यानी जब भी हमारे तीन क्लासेस में ईआरटी को क्लासीफाई किए जाते हैं ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इसमें जब भी हमारा कंपोजिशंस में अगर 140 टन का क्रेन्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसमें यह हमारा ए क्लास ईआरटी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज एसएलआई यूज्ड इन 140 टन क्रेन, यानी 140 टन क्रेन में जो एसएलआई वर्ड यूज किए जाते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेफ लोड इंडिकेटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फर्स्ट आवर ड्यूरिंग एक्सीडेंट इज कॉल्ड, यानी जो एक्सीडेंट के जो पहले घंटे होते हैं उसको किस तौर पर जाना जाता है, तो उसे गोल्डन आवर के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज ट्रांसपोर्टेटेड यूजिंग BTPN वैगन, निम्नलिखित में से कौन किस वस्तु का परिवहन BTPN वैगन का उपयोग करके किया जाता है। BTPN वैगन की अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की कमोडिटीज की, तो यह क्रूड ऑयल जो होता है, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, किरोसिन तेल या जो ब्लैक ऑयल्स वगैरह होते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारा BTPN टैंक वैगन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा सीमेंट वगैरह हो या शुगर हो या ग्रेज वगैरह होता है, जो हमारा वाटर प्रूफेज वाले जो आइटम्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए हमारा जो कवर्ड वैगन होते हैं BCN, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा स्टील के जो रोल्स वगैरह होते हैं, ये या तो हमारा BRNs का उपयोग किया जाता है, या जो हमारा बोस्ट वगैरह होते हैं इनका उपयोग करके हम इसको कैरी करने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन वैगन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन वैगन है, तो यह बॉक्स एंड वैगन ही खुला वैगन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, BCN और BCNHL या एक कवर्ड वैगन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मेनी इनर रेसेस आर प्रोवाइडेड इन वन ई क्लास CTRV यूज इन रेलवे वैगन्स, रेलवे वैगन्स में प्रयुक्त एक ई क्लास CTRV में कितने इनर रेसेस प्रदान किए जाते हैं। तो CTRV की अगर बात करें हम, तो CTRV का फॉर्मेशन की, तो इसमें टोटल दो की संख्या में इनर रेसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू रेसेस, रेसेस को हम कौन से भी बोलते हैं। तो CTRV की अगर बात करें पार्ट्स की, तो सबसे पहले हमारा आता है कैप स्क्रू, उसके बाद हमारा लॉकिंग प्लेट्स आता है, फिर हमारा एक्सल एंड कैप आता है, इसके बाद हमारा सील और सील वियरिंग्स होते हैं जो कि इनवार्ड और आउटवार्ड दोनों तरफ से हमारा लगा होता है। इसके अलावा हमारा जो कोन रेसेस जो है इनर रेसेस, वो आउटवार्ड और इनवार्ड दोनों तरफ से हमारा होता है, तो इसलिए इसकी संख्या दो की संख्या में होता है। इसके बाद हमारा कोन, इनर कोन रेसेस और आउटर कोन रेसेस के बीच में हमारा कोन स्पेसर रखा जाता है, और सारे के कॉम्बिनेशंस को कवर करने के लिए हमारा ऊपर से कवर कप जो होता है उसको यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार हमारा जो अगर बात करें तो ये सारे पार्ट्स हो गए CTRV के, और यहाँ पर जो हमारा वैगन के अंतर्गत जो CTRV यूज किए जाते हैं वो ई क्लास के यूज किए जाते हैं, और जो हमारा 25 टन वाले जो बोगीज होते हैं उसमें के टाइप की जो हमारे CTRV होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें हम, तो टू की संख्या में इनर रेसेज होते हैं प्रत्येक CTRV में ई क्लास में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ MT BLC वैगन, यानी खाली स्थिति में जो BLC वैगन का मैक्सिमम अधिकतम परमिट स्पीड होता है वह 100 km/h होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस BPC ऑफ इंड टू इंड रेक शैल नॉट बी इनवैलिड, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो एंड टू एंड रेक का BPC है वह इनवैलिड नहीं होगा। यहाँ पर नॉट बी इनवैलिड के बारे में बात की जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें किस किस कंडीशन में हमारा BPC इनवैलिड हो सकता है, तो पहला कंडीशन है कि जो इनवैलिड होने का ये आप देख लें। तो पहला कंडीशन है कि जब भी कोई हमारा लोडेड ट्रेन होगा उसमें अगर डेस्टिनेशन मेंशन नहीं होगा, नो डेस्टिनेशन मेंशन, तो उस केस में हमारा BPC इनवैलिड हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन यह होता है कि जब भी रेक्स के अंतर्गत अगर चार से ज़्यादा वैगन का अटैचमेंट या अगर डिटैचमेंट होता है, तो उस कंडीशन में BPC जो इन टू इंड का है वह इनवैलिड हो जाता है।
थर्ड कंडीशन जो रखा गया है कि अगर रेक स्टेबल्ड हो 24 आवर्स से ज़्यादा एग्जामिनेशन यार्ड में, तो इस कंडीशन में भी हमारा एंड टू एंड बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। ये तीन कंडीशन है जहाँ पर हमारा बीपीसी इनवैलिड हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार चले अगर, तो पहला ऑप्शन दिया गया कंपोजिशन ऑफ रेक इज चेंज्ड बाय 4 or more वैगन्स, तो यह हमारा कंडीशन में बीपीसी इनवैलिड हो सकता है, लेकिन हमारा प्रश्न में नॉट बी इनवैलिड के बारे में पूछे जा रहे हैं। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर रेक इज स्टेबल्ड टू मोर देन 24 आवर्स, इस कंडीशन में भी हमारा बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन इंजन ऑफ रेक इज चेंज, यानी जब भी रेक का इंजन चेंज होता है, फिर से अगर दूसरा इंजन अगर लगाया जाता है तो क्रू के द्वारा दोबारा से इसको कंटिन्यूटी कराकर आगे के लिए प्रस्थान किया जाता है, तो इस कंडीशन में हमारा बीपीसी इनवैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट सरफेस ऑन व्हील ट्रेड इन ब्रॉड गेज वैगन इज, यानी ब्रॉड गेज वैगन में व्हील ट्रेड पर फ्लैट टायर की अनुमेय अधिकतम सीमा कितने एमएम के होते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉड गेज वैगन पर पूछा गया है, तब सबसे पहले अगर बात करें हम कोचेज लोको के केस में, तो इस केस में जो फ्लैट सरफेस की लिमिटेशन होता है वो 50 mm होता है। वहीं अगर बात करें हम वैगन की, तो इस केस में जो फ्लैट सरफेस की लिमिटेशन होता है वो 60 mm का होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में वैगन का पूछा गया था, तो 60 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम इन टू एंड रेक विल बी वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज, यानी प्रीमियम इन टू एंड रेक के जारी किए गए ब्रेक बीपीसी जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होते हैं वो कितने दिन के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर करंट के हिसाब से अगर चले हम प्रीमियम की रेक के केस में, तो हमारा 12+5 days कर दिया गया, पहले यह 3 days था जिसको बढ़ाकर हमारा ग्रेस पीरियड 5 days कर दिया गया है। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन में अगर चले हम, तो ऑप्शन नंबर बी में 12+3 days है, यह पुराने अनुसार प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 95% ब्रेक पावर जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर रिक्वायरमेंट होता है, और जो प्रीमियम बीपीसी होता है वो ग्रीन पेपर पेज पर इशू किए जाते हैं। कहीं कहीं आपको प्रश्न में स्पेशल प्रीमियम के रिगार्डिंग अगर प्रश्न पूछा जाता है, तो इस केस में बीपीसी की वैलिडिटी 25+5 days होता है, तो इसको आप ध्यान रखें। और नॉर्मल बेसिस पर जो प्रीमियम जो अभी करंट में चल रहा है वो 12+5 days का चल रहा है, लेकिन प्रश्न में 12+3 days दिया गया है जो कि पुराने बेसिस पर है, तो आप इसको ही कंसीडर करें। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो विच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर यूज्ड इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम यानी BMBS के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो इसमें के टाइप के ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो एल टाइप के ब्रेक ब्लॉक जो है वो हमारा जो मेनली जो फ्रेट स्टॉक होते हैं गुड्स स्टॉक, उसको अंडर माउंटेन जो सिंगल ब्रेक सिलेंडर के साथ होते हैं हमारे, वहाँ पर हमारा एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो कास्ट आयरन वाले जो ब्रेक ब्लॉक है वो पहले हमारा जो वैकम ब्रेक सिस्टम होते थे उस दौरान हमारा कास्ट आयरन का ब्रेक ब्लॉक यूज किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द टीयर बेट ऑफ बॉक्सन एचएल वैगन, यानी बॉक्सन एचएल वैगन का यहाँ पर टीयर बेट पूछा गया है, खाली बेट। तो बॉक्सन एचएल की अगर बात करें सबसे पहले हम टीयर बेट की, तो बॉक्सन एचएल का जो टीयर बेट होता है वो 20.6 tons होता है। वहीं अगर बात करें हम पेलोड का, तो इसका पेलोड होता है 71 tons होता है। वहीं अगर बात करें ग्रॉस लोड की, तो ग्रॉस जो लोड होता है वो टीयर बेट प्लस पेलोड होता है, जो कि दोनों को आप ऐड करेंगे तो 91.6 tons होगा, जो कि BCNHL बॉक्सन एचएल वैगन का ग्रॉस वेट होगा। यहाँ पर टीयर वेट पूछा गया था, 20.6 tons इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर,
इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट्स फर्स्ट वंदे भारत रेक वाज मैन्युफैक्चर्ड। निम्नलिखित में से किस उत्पादन इकाई में पहली वंदे भारत रेक का निर्माण किया गया था? तो फर्स्ट वंदे भारत की अगर बात करें तो यह ICF चेन्नई के अंतर्गत किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पहली बार जो वंदे भारत का ट्रायल किया गया था वह 15 फरवरी 2019 में न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच इसको रन किया गया था पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर तो बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वंदे भारत ट्रेन, यानी वंदे भारत ट्रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो वंदे भारत की एक्सप्रेस में अगर बात करें ट्रेन की अगर, तो सबसे पहले आप जान लें कि वंदे भारत ट्रेन को दो यूनिट्स में क्लासीफाई किए गए हैं। एक है हमारा इंड बेसिक यूनिट में बताया गया है, जिसमें जो फॉर्मेशंस होता है कार कोचेज का वो हमारा DTC यानी ड्राइविंग ट्रेलर कार होते हैं। फिर लगे होते हैं हमारे मोटर कोच, फिर हमारा लगे होते हैं ट्रेलर कोच, फिर हमारा होते हैं मोटर कोच होते हैं। वहीं अगर बात करें हम मिडल बेसिक यूनिट की, तो इसके अंतर्गत अगर बात करें कोचेज के फॉर्मेशंस की तो हमारा NDTC यानी नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार होते हैं, फिर हमारा मोटर कोच होते हैं, फिर हमारा ट्रेलर कोच होते हैं, फिर हमारा होते हैं मोटर कोच। इस प्रकार दो यूनिट्स को हमारा दोनों एंड पर हमारा इंड बेसिक यूनिट होता है और बीच में दो हमारा मिडल बेसिक यूनिट होता है। इस प्रकार हमारा टोटल 16 कोचों का फॉर्मेशंस एक यूनिट के अंतर्गत किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो जो हमारा जहाँ जहाँ हमारा MC होता है यानी मोटर कोचेज, यहाँ पर हमारा चार की संख्या में प्रत्येक हमारा प्रत्येक बोगी होते हैं, उस पर दो की संख्या में हमारा ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं और दो बोगी के कारण टोटल चार ट्रैक्शन मोटर्स का इफेक्ट प्रत्येक मोटर कोच में लगे होते हैं हमारे, जिससे हमारे जो स्पीड्स होते हैं वो काफ़ी जो हमारा नॉर्मल जो वन जो इंजन लगे होते हैं उसके मुकाबले काफ़ी आसानी से स्पीड पकड़ने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यह जो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग मोटर पर इसको इफेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें अब चले अगर प्रश्न की तरफ तो नॉट ट्रू रिगार्डिंग की अगर, तो इट हैज अ फास्ट एक्सेलरेशन, इसमें फास्ट एक्सेलरेशन का कारण है कि जितने भी मोटर कोचेज लगे हैं वहाँ पर हमारा ट्रैक्शन मोटर्स प्रत्येक बोगी पर दो की संख्या में लगे होते हैं, जिससे हमारा काफ़ी हाई स्पीड तुरंत ही हाई स्पीड ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो यह हमारा स्टेटमेंट सही होगा। सेकेंड अगर बात करें हम एट बोथ एंड्स इट हैज ड्राइविंग ट्रेलर कार, दोनों एंड पर DTC लगे होते हैं, यह सही है कि ड्राइविंग ट्रेलर कार होते हैं हमारे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो हमारा ब्रेकिंग का सिस्टम होता है, नॉर्मली जो LHP कोचेज में हमारे होते थे एक्सल माउंटेड होते थे ब्रेक डिस्क, लेकिन जो वंदे भारत हमारे हैं वंदे भारत ट्रेन में या व्हील माउंटेड कर दिया गया, यानी व्हील पर ही डिस्क ब्रेक माउंट किए गए हैं ताकि आसानी से हमारा ब्रेकिंग किए जा सके। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो इट हैज फास्ट एक्सेलरेशन एट बोथ एंड्स इट हैज ए ड्राइविंग ट्रेलर कार सही है, और यह व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है और इट नीड्स अ लोकोमोटिव ट्रेन, इसको रन करने के लिए कोई भी लोकोमोटिव ट्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबल्स सेकेंड क्लास 3 टीयर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी यहां पर बोला जा रहा है कि जो हमारा वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 टीयर स्लीपर कोचेज है जो कि फिटेड है सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सहारे, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होगा? तो वेस्टिबुल का जो कोड होता है वो हमारा W से डिनोट करते हैं, सेकेंड क्लास 3 टीयर जो है हमारा उसे हम GS CN से डिनोट करते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी कमिश्नर जो है CRA जिसे बोलते हैं, जो कि जब भी एक्सीडेंट रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें हम ह्यूमन लॉसेस की समस्या इन्वॉल्व हो तो उसकी इंक्वायरी CRS के द्वारा करवाए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी, और यह जो
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत या CRS पोस्ट आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, LWCZ DSE रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ LHB कोचेज, यानी LWCZ DSE किस प्रकार के LHB कोचों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर बात करें तो L से LHB को डिनोट करता है, W से वेस्टिबल को, फिर इसके अलावा अगर बात करें तो CZ जो है वह चेयर कार को इंडिकेट करता है, और AC मिस यहाँ पर एयर कंडीशन हो जाएगा, यानी जो LHB का कोचेज होगा वेस्टिबल चेयर कार डबल डेकर के साथ, यहाँ पर डी डिनोट करता है, वो हमारा डबल डेकर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एयर कंडीशन डबल डेकर चेयर कार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, LWLRRM रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ LHB कोचेज, यानी जो LWLRRM जो है वो हमारा जो LHB कोचेज में दोनों एंड पर हमारा जो ब्रेक वान लगे होते हैं, जिसे पावर कार या जनरेटर कार या लगेज वान भी बोल सकते हैं, यह LWRRM का रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी पावर कार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ योर डैम्पर्स इन LHB कोचेज, LHB कोचेज में जो योर डैम्पर्स का नंबर होता है वो कितने संख्या में होता है। तो योर डैम्पर जो होता है वो हमारा जो कोचेज है अपर बॉडी उसको बोगी से कनेक्ट करने का काम करता है, इस तरह से हमारा कनेक्टेड होता है, या प्रत्येक बोगी हमारा दो की संख्या में योर डैम्पर्स होते हैं। अगर आपको कोचेज में पूछा जाए तो 0-4 की संख्या में पर कोचेज होते हैं। तो यहाँ पर कोचेज के हिसाब से पूछे गए हैं, तो 4 की संख्या में योर डैम्पर्स प्रत्येक कोच में होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका काम होता है कि जो हमारा कोचेज के रोलिंग मोशन है उसको मिनिमाइज करने का काम हमारा योर डैम्पर्स ही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर व्हील सेलिंग ऑन अ व्हील सेट ऑफ LHB कोच द रीजन मे बी, यानी LHB कोच पर व्हील सेट पर अगर व्हील सेलिंग का कारण हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है कि जो हमारा व्हील ट्रेड पर सेलिंग के मार्क्स आ गए हो। तो इसमें पहला कारण हो सकता है कि जो हमारा WSP है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो यह कॉज हो सकता है। सेकेंड कॉज हो सकता है कि जो ब्रेक कैलिपर है हमारा जो एक्सल का वो हमारा जाम हो चुका हो। थर्ड कंडीशन हो सकता है कि जो एक या जो दोनों ब्रेक सिलेंडर है वह डिफेक्ट कंडीशन में हो, वर्क प्रॉपर रूप से नहीं कर रहा हो। तो ये सारे जो एबव रीजंस है यह कारण हो सकते हैं कि व्हील ट्रेड्स जो हमारा व्हील सेट्स पर हमारा सेली मार्क आ गए हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट व्हाट इंटरवल IUH यानी सॉफ्ट शेड्यूल 1 ऑफ ऑल टाइप LHB कोचेज इज टू बी डन, यानी सभी प्रकार के LHB कोचों का जो इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग किया जाता है यानी सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट, यह कब किया जाता है। तो SS1 की अगर बात करें जिसे IOH भी बोला जाता है LHB के केस में, यह किया जाता है 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो अर्लियर बेसिस पर, उस अंतराल पर हम सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट कराते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की तरफ चले अगर, तो ऑप्शन नंबर 18 मंथ सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज, LHB कोचेज में जो ब्रेक ब्लॉक यूज किया जाता है वह मेनली ब्रेक पैड होता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर ऑप्शन की, तो के टाइप, एल टाइप, सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल 2 इन LHB कोचेज, सॉफ्ट शेड्यूल 2 जो LHB कोचेज का होता है वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो सॉफ्ट शेड्यूल 2 जो है वह 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर
जो भी पहले हो अर्लियर बेसिस पर, या तो पहले 12 लाख किलोमीटर हो जाए या तो पहले 36 मंथ हो जाए, तो उस बेसिस पर हम सॉप शेड्यूल टू कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन की तरफ चले अगर, तो ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर बीच इज यूर अर्लियर, यानी जो भी पहले हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलएचबी कोच ओवर सीबीसी, यानी सीबीसी के जो एलएचबी कोचेज के दोनों तरफ जो हमारा एच टाइप सीबीसी कपलर लगे होते हैं, तो यहाँ पर ओवर सीबीसी यानी कपलर टू कपलर जो लेंथ होगा एलएचबी कोचेज का वो कितने एमएम का होगा, तो यह होता है 24,000 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी लेंथ ओवर कपलर जो होगा एलएचबी कोचेज का वो 24,000 mm का। वहीं अगर केवल हेड स्टॉक अगर बात करें लेंथ ओवर बॉडी का, तो यह 23,540 mm होता है। यहाँ पर प्रश्न में लेंथ ओवर कपलर पूछा गया था, तो 24,000 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फोर्ज्ड कंपोनेंट इन फिएट बोगी इज, यानी फिएट बोगी के अंतर्गत जो फोर्ज्ड कंपोनेंट होता है वो कौन सा पार्ट्स होगा इसमें, तो फोर्ज्ड कंपोनेंट की अगर बात करें तो मेनली जो हमारा फिएट बोगी होता है वो सॉलिड बेल्डेड फ्रेम के तौर पर बनाया जाता है, जिसमें हमारा स्टील सेल्स के जो बेल्डेड पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा हमारा फोर्ज्ड पार्ट्स और कास्ट जो पार्ट्स होते हैं वो सारे को इंक्लूड करके हमारा फिएट बोगी का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया था फोर्ज्ड कंपोनेंट के बारे में, तो यह हमारा कंट्रोल आर्म ब्रैकेट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राइमर एप्लीकेशन इन पेंटिंग सिस्टम ऑफ कोचेज एंड वैगन्स, यानी कोचों और वैगन की पेंटिंग प्रणाली में जो प्राइमर अनुप्रयोग का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है, जो हम कोचेज या वैगन पर जो पेंटिंग करते हैं प्राइमर एप्लीकेशन के लिए पेंटिंग सिस्टम का, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो प्राइमरी फंक्शन होता है कि जितने भी हम कोचेज या वैगन पर पेंट करेंगे तो यह हमारा जो बेस मेटल होता है हमारा वो क्रोजन से इसको प्रिवेंट करने का काम करे, यानी जंग लगने से इसको बचाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, द टाइप ऑफ पेंटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पेंटिंग फॉर एलएचबी कोच सेल इज, यानी एलएचबी कोच सेल की बाहरी पेंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पेंटिंग प्रणाली का प्रकार क्या है, यानी जो एलएचबी कोचेज के ऊपर जो हमारा जो एक्सटर्नल पेंटिंग किए जाते हैं वो पेंटिंग का टाइप्स कौन सा है, तो यह इपॉक्सी PU पेंट्स का प्रयोग किया जाता है एक्सटर्नल पेंटिंग करने के लिए एलएचबी कोचेज का, और जो कि हमारा इपॉक्सी पॉलीयुरेथेन पेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग यानी CTRB यूज्ड इन व्हील सेट ऑफ, यानी जो CTRB यूज किए जाते हैं व्हील सेट पर वह हमारा LHB कोचेज के अंतर्गत किए जाते हैं, यानी फिएट बोगी पर किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, यानी प्रारंभिक स्टेशन पर जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वह 100% होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, DB इज ओवरहॉल्ड इन, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होते हैं जिसे हम कोचेज या वैगन का हार्ट्स बोला जाता है, तो वो उसकी जो ओवरहॉलिंग की जाती है, जब भी हमारा कोचेज या वैगन पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के लिए वर्कशॉप के अंतर्गत जाते हैं तो वहाँ पर DB का भी ओवरहॉल्ड किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, POH।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव यानी निरीक्षणकारी प्रशासनिक का परिवहन कोड कौन सा होगा। तो इंस्पेक्शन कैरेज की अगर बात करें तो इसके लिए जो कोड रखा गया है वो RA रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन इज यानी कोचिंग ट्रेन में जो ब्रेक पाइप का रंग होता है वो कौन सा रंग कलर कोड यूज किया जाता है। तो कोचिंग ट्रेन के अंतर्गत ब्रेक पाइप दो तरह के मेनली हमारा पाइप होते हैं, एक हमारा होता है BP पाइप जिसे ब्रेक पाइप बोलते हैं, या ग्रीन कलर का यूज किया जाता है और इसमें जो प्रेशर होता है वो 5 kg/cm² का प्रेशर होता है कोचिंग ट्रेन के अंतर्गत। वहीं सेकेंड जो पाइप होता है वो हमारा फीड पाइप होता है जिसकी कलर कोड की अगर बात करें तो इसके लिए जो कलर कोड है वो वाइट कलर का होता है और इसमें जो प्रेशर होता है वो 6 kg/cm² का प्रेशर इसके अंतर्गत होता है। वहीं अगर बात करें प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया ब्रेक पाइप के रिगार्डिंग में तो यह ग्रीन कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ए रिसेंटली बिल्ट कोच विथ ग्लास सीलिंग एंड लार्ज ग्लास विंडो आर कॉल्ड यानी जो कांच की छत और बड़ी कांच की खिड़की वाले हाल ही में निर्मित कोच को क्या कहा जाता है। तो अभी हाल ही में जो हमारा पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय रेलवे द्वारा जो हमारा कोचेज में जो ग्लासेस की सीलिंग हो और लार्ज ग्लासेस के विंडो का प्रावधान किया है यह विस्टाडोम कोचेज के अंतर्गत किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, विस्टाडोम कोचेज। नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करें यहां पर तो पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ टाइट लॉक कपलर यानी निम्नलिखित में से कौन सा टाइट लॉक कपलर की एक विशेषता है। तो टाइट लॉक कपलर की अगर बात करें तो यह एक एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स को प्रदान करता है ताकि जब भी कोई हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो तो एक दूसरे के ऊपर कोचे ना चढ़ पाए, यही हमारा फीचर्स होते हैं टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर तो पूछे गए, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इन फीड पाइप ऑफ मेन लाइन पैसेंजर कोचेज ऑफ इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे में जो मेन लाइन यात्री डिब्बों में फीड पाइप का जो प्रेशर होता है वायु दबाव होता है वो कितने kg का होता है। तो यहाँ पर फीड पाइप के लिए अगर बात करें तो इसके लिए कलर कोड यूज किया जाता है वाइट कलर कोड यूज किया जाता है और इसमें जो प्रेशर होता है मेन लाइन कोचेज के अंतर्गत वो 6 kg/cm² का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर तो इन ईयर ब्रेक सिस्टम द फंक्शन ऑफ SAB इज टू एडजस्ट क्लीयरेंस बिटवीन यानी ईयर ब्रेक सिस्टम में जो स्लैकलेस्ट बैरल होता है उसका कार्य क्या होता है, किसके बीच के क्लीयरेंस को समायोजित करना होता है। तो जो SAB लगा होता है इसका फंक्शन होता है कि जो व्हील ट्रेड हो और ब्रेक ब्लॉक के बीच के जो क्लीयरेंस हो उसको मेंटेन करने का एडजस्ट करने का काम यह करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन मेमू यानी मेमू में जो कपलर यूज किए जाते हैं यानी मेन लाइन जो हमारे मल्टीपल यूनिट्स वाले जो ट्रेन होते हैं मेमू तो उसमें जो कपलर यूज किए जाते हैं वो सेकू टाइप कपलर यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि CBC में जो हमारा इस टाइप का CBC जो होता है वो हमारा LHB कोचेज में यूज किया जाता है और ई टाइप का CBC हमारा जो होता है वो गुड्स स्टॉक यानी बैगन में हमारा यूज किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो स्क्रू कपलिंग का यह हमारा ICF कोचेज के अंतर्गत किए जाते हैं स्क्रू कपलिंग का प्रयोग। वहीं जो करियंट में अगर बात करें हम जो वंदे भारत यूज किए जा रहे हैं इसमें जो कपलर का यूज किया जाता है वो हमारा सेमी परमानेंट कपलर का यूज किया जाता है जिसे डिलेनर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर करने के कारण इसे डिलेनर भी कपलर बोला जाता है। तो इसको आप ध्यान रखें कि LHB कोचेज में हमारा इस टाइप, बैगन में ई टाइप, वंदे भारत कोचेज में हमारा
सेमी परमानेंट या डेलिनर कपलर, ICF के अंतर्गत हमारा स्क्रू कपलिंग, जबकि हमारा जो मेमू वाले ट्रेन्स होते हैं इसमें सेकू टाइप कपलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विथ द इंक्रीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राइड इंडेक्स पैसेंजर कंफर्ट्स, यानी राइडिंग इंडेक्स के संख्यात्मक मान में वृद्धि के साथ जो पैसेंजर की आरामदायक यानी कंफर्टनेस है वो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे अगर बात करें यहाँ पर मगर कि जैसे राइडिंग इंडेक्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा तो कंफर्टनेस है वो डिक्रीज करता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारा जो LHB कोचेज का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह 2.5 से लेकर 2.75 के अप्रोक्स होता है, जबकि ICF की अगर बात करें तो ICF में यह 3.5 की अप्रोक्स होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा LHB कोचेज में आरामदायक होता है वह ICF के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसका इफेक्ट है कि यह इसमें जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह कम होता है, यानी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है राइडिंग इंडेक्स टू कम्फर्ट्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो जब भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करेगा तो कंफर्ट है हमारा वो डिक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर्स ऑफ व्हील ट्रेड टायर्स ऑन द सेम एक्सल आफ्टर फ्रेश टर्निंग ऑन द व्हील लेंथ शुड नॉट एक्सीड। जब भी व्हील लेंथ पर अगर कोई व्हील एक्सल को टर्निंग किया जाता है तो उस दौरान ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्सल पर जो वेरिएशन है व्हील ट्रेड डायमीटर्स का वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, Which of the following is not a part of CVC assembly used in Indian railway wagons? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे वैगन में प्रयुक्त CVC सेंटर बफर कपलर्स का पार्ट्स नहीं है, जो तीन ऑप्शन में चार ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो सबसे पहले हम CVC की अगर पार्ट्स देखें अगर तो पहले नंबर पर हमारा नकल पिन और इसकी APD लगे होते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी पिल्फरेज डिवाइस होता है। इसके बाद हमारा लॉकिंग पीस होता है, फिर हमारा होता है नकल थ्रोअर, फिर हमारा होता है रोटेटरी असेंबली, फिर कपलर बॉडी आप बोल सकते हैं, फिर ऑपरेटिंग हैंडल होता है, बियरिंग पीस या एंटी रोटेशन लग होता है, योक पिन होता है, स्ट्राइकर कास्टिंग होता है, सिंक प्लेट होता है, रेस्ट प्लेट होता है, ये सारे CVC का असेंबली का पार्ट्स होता है। यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार चले अगर तो योक पिन हमारा पार्ट्स आ गए, नकल भी पार्ट्स होता है CVC का, स्टाइकर कास्टिंग भी हमारा पार्ट्स होते हैं, लेकिन EM पैड हमारा प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर यूज किया जाता है ताकि हमारा व्हील के जो ट्रेड के बियरनेस है उसको रिड्यूस किया जा सके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि CVC असेंबली का पार्ट्स नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होटल लोड कन्वर्टर, होटल लोड कन्वर्टर का क्या फंक्शन है। तो या इट कन्वर्ट्स OAC सप्लाई टू सुटेबल वोल्टेज फॉर ट्रेन लाइटिंग एंड AC, जो ट्रेन लाइटिंग और AC के लिए जो हमारा वोल्टेज की सुटेबल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा HLC यानी होटल लोड कन्वर्टर जो है वो OAC से कन्वर्ट करके या सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो चूज द रोलिंग स्टॉक हैविंग लोएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राइडिंग इंडेक्स अमॉन्गस्ट द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में राइडिंग इंडेक्स का न्यूनतम संख्यात्मक मान वाले रोलिंग स्टॉक को चुने। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें लोएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू राइडिंग इंडेक्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो ICF कोचेज का हमारा 3.5 की अप्रोक्स होता है, LHB कोचेज की अगर बात करें हम तो 2.5 के अप्रोक्स होता है राइडिंग इंडेक्स, जबकि जो हमारा बैगन वगैरह होते हैं उसकी राइडिंग इंडेक्स की अगर बात करें तो यह 4.25 से लेकर 4.5 के अप्रोक्स होता है राइडिंग इंडेक्स बैगन्स का। तो यहाँ पर हमसे लोएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू का पूछा गया था तो हमारा LHB कोच इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
एलएचबी को इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो डैश इज डन बाय एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस के द्वारा किया जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का जो हिंदी फॉर्म होता है वो सूची नियंत्रण होता है, जो आइटम का कंट्रोल किया जाना होता है वो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, यह किया जाता है एबीसी एनालिसिस के जरिए। एबीसी एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसके अलावा भी हमारे जो इंडियन रेलवे में है जो इन्वेंट्री को कंटेन करने के लिए जो यूज किया जाता है वो हमारा वीईडी होता है प्रोसेस, जिसे हम विटल एसेंशियल डिजरायबल बोलते हैं। इसके अलावा एफएसएन प्रोसेस भी यूज किया जाता है, यानी फास्ट स्लो नॉन मूविंग आइटम्स। तीन तरह के मेनली हमारा अभी करंट में यूज किए जा रहे हैं, एबीसी एनालिसिस, वेड और एफएसएन। तो यहाँ पर हमसे एबीसी एनालिसिस जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है इसके माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीएसी आइटम्स इज परचेज बाय, जो पीएसी आइटम होते हैं प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं फुल फॉर्म के तौर पर, इसको परचेज किया जाता है सिंगल टेंडर के माध्यम से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पीएसी आइटम जो होते हैं यह तब परचेज किया जाता है जब यह लगे कि उसके बिना, उस आइटम के बिना यह काम नहीं चल सकता, साथ ही साथ जो आइटम की रिक्वायरमेंट है वह किसी विशेष कंपनी या मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा इसको प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, तो इस केस में हमें पीएसी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। और यह जो सर्टिफिकेट हो वह जारी किया जाता है जो यूजर डिपार्टमेंट है, उपभोक्ता डिपार्टमेंट, उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल टेंडर के माध्यम से पीएसी आइटम्स को परचेज किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एएसी, एएसी की फुल फॉर्म होता है एवरेज एनुअल कंजप्शन या एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन होता है, जो कि स्टॉक आइटम के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सीना स्पेंड्स 45 मिनट्स ऑन योगा एवरी डे, हाउ मच टाइम डज सी डिवोट द योगा इन अ वीक। यहाँ पर बोला गया है कि अगर वह रोजाना पर डे 45 मिनट्स योगा पर देती है तो इस दौरान वह एक वन वीक के दौरान कितने समय योगा पर देंगे। तो यहाँ पर बात करें वन वीक जो होता है वह इक्वल टू 7 डेज का होता है, 45 मिनट्स पर डे दिए देती है वो। तो इस प्रकार अगर बात करें 7 डेज के, तो टोटल जो टाइम डिवोट किए योगा के दौरान वह पर वीक वह 315 मिनट्स डिवोट किए हैं। इसे अगर आवर मिनट में अगर कन्वर्ट करें तो 5 आवर्स 15 मिनट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सीना ने एक वीक के दौरान अपने योगा पर टाइम स्पेंड किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो 5 आवर्स 15 मिनट्स ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द नंबर ऑफ टू डिजिट्स नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। यहाँ पर दो अंकों की टोटल कितनी संख्या होगा एग्जैक्टली जो कि 6 से डिविजिबल होगा। तो दो अंकों की संख्या मेनली जो होता है वह 10 से स्टार्ट होकर 99 तक चलता है। इस दौरान हमें वह संख्या को फाउंड आउट करना है जो केवल और केवल 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए मिनिमम जो संख्या टू डिजिट्स का होता है वह 12 होता है, और जो मेजर हमारा जो मैक्सिमम है वो 96 ही हमारा 6 से डिविजिबल हो सकता है। और इन दोनों के बीच हमारा टोटल हमारा इसमें निकालना है कितने कितने होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें अगर तो 12 हमारा डिविजिबल होगा, फिर हमारा 18 होगा, फिर 24 होगा, फिर हमारा 36, 42, 48, 54, 66, 72, 78, 84, 90 और 96 होगा। तो इस प्रकार जो टोटल जो टू डिजिट्स नंबर्स है जो कि 6 से डिविजिबल वाले नंबर्स है, इसकी संख्या टोटल हमारा 15 की संख्या में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की तरफ अगर चलें तो ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया 15, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें अगर, तो इफ इच साइड ऑफ स्क्वायर बी इज थ्राइस दैट ऑफ स्क्वायर ए, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ स्क्वायर ए। यहां पर बोला गया किसी यदि वर्ग बी की प्रत्येक भुजा वर्ग ए की भुजा के तीन गुना है, तो इस केस में जो वर्ग बी का क्षेत्रफल होगा वर्ग ए के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो यहाँ पर दो हम स्क्वायर लेंगे, जिस ए हमारा ए हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा बी का इस साइड है प्रत्येक किनारा है वह स्क्वायर ए के मुकाबले में तीन गुना है, थ्राइस बोला गया है, तीन गुना। तो यहाँ पर इसका अगर मान ले हम भुजा ए है, एक है, तो यह थ्री हो जाएगा इसकी भुजा। यहाँ पर अब बोला गया कि जब इसको हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ईड्स का यानी भुजा का स्क्वायर होता है, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, जब थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हमारा नाइन आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा बी का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो ए के मुकाबले कितना गुना होगा, तो यह नाइन टाइम्स होगा, नौ गुना, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहां पर, द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न विल बी, यानी कुछ नंबर सीरीज में दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारा वाट वाले जो पोजीशन दिए गए यहां पर कौन सा नंबर प्लेस होगा वो यहां पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर 19 दिया गया है, फिर 28 दिया गया है, फिर 39 दिया गया है, फिर हमारा 52 दिया गया है, फिर हमारा 67 दिया गया है, तो नेक्स्ट नंबर्स क्या होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। सारे को यहाँ पर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चले अगर, तो प्लस 9 ऐड हो रहा है अगले टर्म में, फिर यहाँ पर हमारा प्लस 11 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर हमारा प्लस 13 ऐड हो रहा है, फिर अगले वाले टर्म में हमारा प्लस 15 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका प्लस 2 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप प्लस 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस 17 ऐड करना होगा। जब आप 67 में जब आप 17 ऐड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 84, जो कि इस सीरीज के लिए नेक्स्ट नंबर के तौर पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 84, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5:17 इज, यानी 5:17 का किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप बात करें अगर 85/153 अगर कट करते हैं आप, 5/9 आएगा जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी भी 10/51 है तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर अगर बात करें थर्ड ऑप्शन जो हमारा 35/119 दिया गया है, तो यहाँ पर अगर जब 5 से अगर डिवाइड करने को अगर चलेंगे तो 5/35 यहाँ पर होगा, और 17 की यहाँ पर अगर बात करें तो 17/19 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/17 यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के इक्वल होगा 5/17। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सम ऑफ एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 80 ईयर्स एंड डिफरेंस ऑफ दियर एज इज 20 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ फादर। यहाँ पर फादर को आप एक्स कंसीडर कर ले और सन को वाई से कंसीडर करें, तो यहाँ पर दिया गया कि दोनों का एज का समेशन दिया गया है 80 ईयर्स, और डिफरेंसेस की अगर बात करें तो 20 ईयर्स दिया गया है। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और ये आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पर 50 ईयर्स जो निकल कर आएगा वो x के वैल्यू निकल कर आएगा, जो कि फादर के लिए हम कंसीडर किए थे, तो फादर का एज जो निकल कर आएगा वो 50 ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी जो त्रिभुज होता है हमारा
कि उसके तीनों एंगल का जो समेशन है वो कितना होगा। तो हम अगर बात करें तो ए बी सी, तो तीनों के एंगल जो ए प्लस बी प्लस सी का अगर तीनों एंगल की अगर समेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 0.04 मल्टीप्लाई बाई 0.004 मल्टीप्लाई बाई 40। तो इस प्रकार टोटल नंबर्स कितने संख्या में निकलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें, पहले नंबर पर हमारा 0.4 दिया गया है, फिर 0.04 है, फिर हमारा 0.004 है इंटू 40 है। इस प्रकार एक पॉइंट के बाद अगर एक नंबर्स होता है तो पॉइंट के लिए एक आता है और अंक के लिए हम जीरो कंसीडर करते हैं। इसी प्रकार हम पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो एक लेंगे, उसके बाद दो डिजिट तक नंबर है तो दो जीरो हम लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो एक आएगा हमारा, उसके बाद थ्री डिजिट तक नंबर है तो 30 यहाँ पर हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो निकल कर आएगा वो 4 × 4 × 4 × 40 आएगा बाई हमारा 10 × 100 × 1000 आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, एक जीरो से एक जीरो आप कट कर ले, चार को और फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 256 निकल कर आएगा, जिसमें हमें भाग करना है वन के बाद फाइव डिजिट्स वाले नंबर तक। फाइव डिजिट्स के नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर पॉइंट सबसे पहले हम लेंगे, दो जीरो प्लेस करेंगे, 256 लिख देंगे। तो इस प्रकार के ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो ए मैन गोज 24 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन द डिस्टेंस ऑफ हिम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स इज, यानी एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले आप डायरेक्शन जान ले कि ऊपर की तरफ हम नॉर्थ कंसीडर करते हैं, नीचे की तरफ हमारा साउथ होता है, फिर यहाँ पर अगर बात करें तो यह हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा बेस्ट होता है, इसको आप याद रखें। यहाँ प्रश्न बुलाया कि एक आदमी 24 मीटर बेस्ट जाता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट किए, 24 मीटर हम यहाँ पर चले गए, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह 10 मीटर नॉर्थ में जाता है, तो 10 मीटर फिर यहाँ से हम टर्न किए और 10 मीटर नॉर्थ में चले गए। तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर हमें ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस यानी कर्ण हमें यहाँ पर निकालना है। तो इस प्रकार की जो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं हम कि यहाँ पर हम इसको एक्स कंसीडर कर ले अगर, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर का इक्वल होगा। दोनों को यहाँ पर निकालेंगे तो 676 का अंडर रूट आ जाएगा, जो कि 26 के इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस शुरुआती पॉइंट से। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 26 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच वन इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 45 मीटर पर सेकेंड को यहाँ पर सबसे पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करके फिर से यहाँ पर ऑप्शन से मैच कराए, तो 45 मीटर पर सेकेंड को जैसे ही आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो इसे आप 80/5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर यह आपका किलोमीटर पर आवर में होगा। तो 5 को 9 टाइम्स हमारा 45 कट जाएगा और 18 × 9 जो आएगा वो हमारा इक्वल होगा 162 किलोमीटर पर आवर का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया।
यानी भारत में सबसे लंबा जो तट रेखा है कौन से राज्य का है, तो इसमें गुजरात स्टेट इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका जो कोस्टल एरिया है वो सबसे बड़ा है भारत में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन, एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था वह रामेश्वरम तमिलनाडु के अंतर्गत हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, डैश इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, डैश को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो इसको जो जनक माना जाता है वो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है अभी सुप्रीम कोर्ट का, तो वो अभी करंट में कौन है, तो यह जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज द फाउंडर ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की संस्थापक यानी जो स्थापना किसने किया था, तो इसकी जो स्थापना की अगर बात करें हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की, तो शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास के द्वारा 10 फरवरी 1921 में इसको स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सी प्रसाद गुप्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें अगर, तो हाई स्पीड ट्रेन्स नेम्ड सिंकासेन बिलोंग्स टू, यानी सिंकासेन नाम की हाई स्पीड ट्रेन कौन से जो कंट्री है उससे बिलोंग करता है, तो यह इसका सही उत्तर होगा जापान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर अगर बात करें हम, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 एज अमेंडेड इन 1987 2010 2011 सिलेक्टेड द स्टेट्स बीच कॉम्स अंडर बी रीजन्स फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी राजभाषा नियम 1976 जिसका संशोधन 1987-2007 2011 में संशोधित किया गया था, के अनुसार जो क्लास बी यानी ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से स्टेट्स होंगे, तो रीजन बी के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो इसमें हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब स्टेट्स आते हैं। यहां पर ऑप्शन की तरफ अगर चले तो ऑप्शन नंबर गुजरात दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारे बी रीजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, सिंस वेन सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी राजभाषा अधिनियम की धारा 33 कब से लागू हुआ था, तो सेक्शन 33 की अगर बात करें तो यह 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया था, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें टोटल 40 डॉक्यूमेंट को मेंशन किया गया है, जो कि बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो साइनिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स होंगे उसकी ये जिम्मेवारी होंगी कि इसके अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट जारी किए जाए वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जारी किए जाए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच अवार्ड स्कीम इज अप्लीकेबल फॉर राइटिंग स्टोरी कलेक्शन एंड नॉवेल बुक राइटिंग इन हिंदी, यानी हिंदी में कहानी लेखक संग्रह उपन्यास पुस्तक लेखन के लिए कौन सी पुरस्कार योजना का लागू किया गया है, तो स्टोरी कलेक्शन या हो या बुक राइटिंग हिंदी में हो, इसके लिए जो मुंशी प्रेमचंद जो अवार्ड है वह इसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद अवार्ड स्कीम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच कैश अवार्ड स्कीम इज अप्लीकेबल
फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट, यानी जो टेक्निकल तकनीकी रेलवे विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं वह कौन सा अवार्ड दिए जाते हैं, तो यह लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड स्कीम जो है वह प्रदान किए जाते हैं। अगर कोई मौलिक रूप से अगर टेक्निकल सब्जेक्ट पर अगर हिंदी में रेलवे विषय पर अगर लिखता है तो उसके लिए उसे रेलवे द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से नवाजित किए जाते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अमंगस्ट फॉलोइंग हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच स्क्रिप्ट मराठी लैंग्वेज इज रिटन, यानी मराठी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, तो यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बेन इज हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 जनवरी को मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th जनवरी एवरी ईयर्स। वहीं अगर आपसे नेशनल हिंदी डे अगर पूछा जाता है तो यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन इट्स शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो मलयालम को शामिल किया गया है, मैथिली को शामिल किया गया, तेलुगु भाषा को भी शामिल किया गया है, लेकिन जो करंट में हमारे जो 22 भाषाओं जो शामिल है 8वीं अनुसूची में, इसमें भोजपुरी लैंग्वेज को शामिल नहीं किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं, तो यह टोटल वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो भारत के जो संघ है इसके लिए जो लैंग्वेज होगा राजभाषा होगा इसका प्रावधान आर्टिकल 343 के अंतर्गत बताए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 343 यानी 343 अनुच्छेद के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा बात करें हम आर्टिकल 345 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत बताए गए हैं कि किसी भी स्टेट्स का क्या लैंग्वेज होगा वह आर्टिकल 345 के अंतर्गत बताए गए हैं। वहीं आर्टिकल 346 की अगर बात करें हम, तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का कम्युनिकेशन होगा बिटवीन स्टेट्स टू अनदर स्टेट्स या बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, तो कौन से लैंग्वेज में होगा वह 346 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम 348 की, तो इसमें बताया गया है कि जो लैंग्वेज यूज किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंतर्गत एक्ट या बिल्स को पास करने के लिए, यह आर्टिकल 348 के अंतर्गत बताए गए हैं। तो सारे जो इन्फॉर्मेशन बताए गए हैं इसको आप ध्यान रखिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।